अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी का, ये है किचन और इस किचन में क्या पक रहे हैं और कौन मौजूद हैं। जी हां, यहां पर मौजूद है शेफ राहिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ग्लासेस व्लासेस लगाने दिखाऊं? कौन नजर कमजोर है मेरी जान? बिल्कुल दिखाओ ना। मैं कैसी लग रही हूँ? हाय अल्लाह, अच्छे खासे तो हैं मैं। अच्छा ओ अच्छा, नीचे वाली जमीन ऊपर नीचे हो गई। ओ मुझे इसमें कुछ यू है ना, वो कुछ बना होता है ना, वो मेरा कुछ बता रही। हाँ हम भी बैठे, हमें भी दिखा दो। अरे अल्लाह, ये देखो आप टीचर लग रही हो कसम से। ओ माय गॉड, टीचर बड़ी वैल्यू होती है उस साथ की। लेकिन जो नीचे जमीन यूं हो रही थी ना, मुझे अपने अब्बू की क्लासेस याद आ गए। वो यूं देख के कहती थी अम्मी, अब्बू जमीन ऐसे ऐसे कर रही। बचपन की याद है तुम्हारी, अभी गई नहीं, अभी वही देखा। चलो अल्लाह अल्लाह पाक। ओ भाई बदाम बदाम, इतनी इतनी उम्र है बड़ी, जिनको दो भाई इनकी नजरें सही हो बच्ची की। अच्छा जी, डिश का नाम क्या है? माच दाल फ्राई विद बटर तड़का। माच दाल फ्राई विद बटर तड़का, ओए होए, मैं मुझे वैसे बटर बहुत पसंद है। लेट्स सी इसके इंग्रेडिएंट्स सबसे पहले। बिल्कुल, इसमें फ्राई अनियन डलेगा, ठीक है, और टमाटर की प्योरी है। ये कैसे बनाई है, रेड क्यों हो रही है? ये रेड इसलिए हो रही है कि इसको हमने ऑयल के साथ पेस्ट बनाया है। कुछ तो डिफरेंट सा लुक आ रहा था। ठीक है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, हींग है, हींग, सफेद जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और ये तमाम गार्निशिंग के लिए और तड़के के लिए। तड़के के लिए करी पत्ता, कड़ी पत्ता होगा और साबुत साबुत धनिया, और जो क्या साबुत लाल मिर्च, और साथ में हम मक्खन के साथ तड़का देंगे। तेरी खैर, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स में एक बार फिर बता दूं, वही जो घर में आपके रेगुलर यूज में है वही मौजूद है। जिस तरह उन्होंने अदरक लहसुन का पेस्ट कहा, जीरा, पीसी हुई मिर्चें, लाल मिर्च जिसे कहते हैं, हल्दी है, और ये गर्म मसाला आई थिंक पिसा हुआ अदरक पिसा हुआ गर्म मसाला, पिसा हुआ वही मैंने कहा, गर्म मसाला आप रखते हो, और हस्बे जायका नमक है, और इन्होंने माश की दाल को बॉईल किया हुआ है। जी बिल्कुल, हाफ कुक किया हुआ है ताकि इजीली जल्दी से बन जाए। हल्की सी भी बिल्कुल आप करोगे तो खड़ी खड़ी दाल समझ ले। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं ऑयल से। सबसे पहले हमने जैसे आपको मुनासिब जितनी आपका खाना होगा ऑयल यूज करना है, और मेरी बहन ने कमोबेश थोड़ा सा ही हम यूज करेंगे क्योंकि तड़का भी लगेगा। ओके, इन्होंने तड़के के लिए भी थोड़ा कहा कि थोड़ा छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो आखिर में एक भगार लगेगा तो फिर वो ऑयल जैसे ही गर्म हो जाएगा ना, ठीक है, तो हम अदरक लहसुन का पेस्ट, कड़ी पत्ता थोड़ा सा डालेंगे, जीरा डालेंगे और हींग। चलिए बिस्मिल्लाह, इसमें डालना शुरू करेंगे हम लोग। जी, तब सबसे पहले क्या डालना है आपने? सबसे पहले हम डालेंगे ये जीरा, जीरा बिस्मिल्लाह करके डालेंगे, मानी रही, और थोड़ा सा डालेंगे और थोड़ा सा हम बघार के लिए रखेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हमने डाला क्या, जीरा डाला, जीरा हमने, ठीक है जी, ओके, और ये हल्का हल्का फ्राई होना शुरू हो गया, ज्यादा काला नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं। सेकंड हमने जल्दी जल्दी दूसरा कौन सा, कड़ी पत्ता थोड़ा सा लेंगे, कड़ी पत्ता भी डाल दिया, और कड़ी पत्ते की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है। आय 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 आय, थोड़ा सा तोड़ के करें तो फिर तो और भी खुशबू जबरदस्त। अब हम डाल देंगे अदरक लहसुन, ओके, ये कमोबेश 1 टेबल स्पून, ठीक है, और ये भी ऑयल में है जैसे कि डन हो गया, पेस्ट क्या हुआ है, ठीक है जी। और इन्होंने पहले से हर इंग्रेडिएंट्स को जो है, अच्छा क्यों डिफरेंट है ये आम स्टाइल में आप जो बना रहे हो उसमें क्या रही? क्या कुछ तो बताएं ना, पता चले कि क्यों हम ये दाल बनाए, रीजन क्या है? माश दाल ये है कि थोड़ा सा अब जो है मौसम चेंज हुआ है ना। नहीं नहीं, इस तो ये जो रेसिपी आपने बताई इसमें क्या डिफरेंस है कि दूसरों से मुख्तलिफ है? जी बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि अदरक लहसुन भी इसमें हमने तेल से ग्राइंड किया है, और टमाटर भी हम लोगों ने ऑयल से ही ग्राइंड किया है। घर में जो लोग जब बनाएंगे तो उनको जरा सा डिफरेंट लगेगा, बिल्कुल बहुत बहुत चेंज आएगा। ओके और ये साबुत साबुत रहेंगे माश की दाल, बिल्कुल वो पेस्ट नहीं बनेगा। ओके ठीक है, अब साथ ही हम डाल देंगे टमाटर की प्योरी। ओके, ये 3 टमाटर की प्योरी है जो 1 चम्मच ऑयल के साथ हमने ग्राइंड किया है, डन हो गया जी। अच्छा जी, यहाँ पर हम लोग छोटी सी, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, एक ब्रेक लेंगे और मिलते ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।